तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज आज हम देखेंगे कलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गेम प्ले। ठीक है, तो अपन देखते हैं कलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गेम प्ले। और जो ये सामने वाला अपना बंदा है, ठीक है, इसके पास अच्छा अच्छा कलेक्शन है, इसके पास अच्छी अच्छी गन की स्किन है। और जो अपना दूसरा बंदा है उसके पास ज़्यादा अच्छी ना गन है ना स्किन है ना उसके पास मतलब ज़्यादा अच्छा कलेक्शन भी नहीं है ना कुछ है उसके पास। और इसका स्किल बहुत अच्छा है, तो अपन देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और आप देख ही सकते हो, चलो देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से करके सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को गाइज आप लोग आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और सामने बंदा वाला बंदा देखो वो है सामने, और यहाँ पर क्या होता है हमें समझ नहीं आ रहा है। और एकदम मतलब इसके पास अच्छा कलेक्शन है सब कुछ, लेकिन ये खेलता एकदम बहुत ही गरा है। अपन कुछ नहीं कह सकते अभी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और ये देखो कि आप लोग ग्लू लगाने की टेक्निक सब लोग देख लो कितने अच्छे से, मतलब सही ग्लू बॉल लगा रहा है। और देखते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मैं सोच रहा था मेरे साथ होता है इसका कस्टम तो मजा आ जाती, लेकिन चल छोड़ो जिसके साथ भी हो रहा अपन देखते कौन जीतेगा। और यहाँ पर ये देखो कितनी सही ग्लू बॉल लगा रहा है। और जो उसके सामने वाला बंदा है एकदम मतलब कि कलेक्शन बस है, कलेक्शन के सिवा और कुछ है ही नहीं उसके पास। और देखते हैं इसने एक मैडी मार ली है। और ये देखो ऐसा घूम रहा है खुले सांड की तरह, जैसे कि वन टैप मार ही देगा। यार जल्दी ये मैच ख़त्म हो, देखेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और यहाँ पर एक ग्लू लगा दिया है आगे, और देखो स्टोक से चल रहा है उसका कॉन्फिडेंस देखो हाई। और यहाँ पर देखते हुए अपन क्या ये मार पाएगा, कोरोनो लगा लिया है, कोरोनो लगा लिया है यार। और ये गया, ये सिर्फ एक गोली का बचा है, ये टीसी हैकर, ये गया। मुझे पता था ये एक गोली का बस बचा है। तो फर्स्ट राउंड हमारा नूब बंदे ने जीत। 6 साल मॉस्को पैसा बर्बाद पे। हम सेकंड राउंड में आ गए, और सेकंड राउंड में यहाँ देखने को क्या मिल रहा है। अब इस सेकंड राउंड में हमारी, मैं सोच रहा हूँ ये टीसी हैकर शायद जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास शॉटगन की अच्छी वाली स्किन है, इंक्यूबेटर वाली, जो कि बहुत सही है, जिसकी डबल रेंज है। और उसके पास इसकी ये देखो ये है डबल रेंज वाली शॉटगन। अपन देखते हैं ये इसका एडवांटेज उठा पाता कि नहीं। और इसने 90 का डैमेज दिया है, और क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। और इसने रश कर दिया है, इतनी देर में वो तो मैडी मार दिया होगा उसके। और भाई साहब हेड पड़ा था उसको, इस बंदे ने कैली नाम के बंदे ने उसको हेड मारा था। और ये राउंड भी जीत गया। अब हमारा आ चुका है तीसरा राउंड। अब तीसरे राउंड में अपन देखते हैं कौन जीतेगा। और इस राउंड में ये टीसी हैकर के पास फिर से इसने विंटर लैंड वाली शॉटगन ली है, 6 गोली वाली शॉटगन। और यहाँ पर ढूंढ रहा है उसको, और ये तो यहाँ पर है, वो बहुत दूर चल गया है। और मुझे नहीं लगता ये जीतेगा, क्योंकि मतलब कि स्किन इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर देखते हुए, और ये मतलब कि स्टोक से क्या खेल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या चल रहा क्या रहा है इसके दिमाग में। अपन देखते हैं कौन जीतेगा। और ये एकदम सही खेल रहा है, ये बंदा सही खेल रहा है। तो गाइज आपने अगर अभी तक हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइज जाके वहाँ पर फॉलो कर लो। वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, आप लोग वहाँ पर बात कर सकते हो, और वहाँ पर अच्छी अच्छी मतलब मीम्स वीडियोस और बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्योंकि मतलब फ्री फायर में बहुत देर तक एक्टिव तो रहता नहीं हूँ, तो ज़्यादा बंदों से बातचीत कर नहीं पाता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाओ, फॉलो करो और मुझसे बात कर लो। जो भी है रिक्वेस्ट भेजना है, या फिर वीडियो के बारे में कुछ भी अगर आप लोग को बात करना है, तो आप लोग वहाँ पर कर सकते हो। तो अपन देखते हैं अब यहाँ पर अपने मैच की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया है, और इसने कर दिया रश, और अपन देखते हैं कौन क्या कर पाएगा। और इसने बहुत डैमेज दिया, इसकी बिल्कुल एचपी नहीं है, मुझे लगता है ये गया ये राउंड भी। भाई खुले में कहाँ मैडी मार रहा है एकदम, नहीं एकदम सही ग्लू लगा लिया इसने। और यहाँ पर ग्लू फूटते हुए, और ये बंदा नहीं इतनी जल्दी इतना दूर कैसे आ गया। चलो यहाँ पर दोनों एकदम कांटे की टक्कर चलते हुए, इसने शायद एक मैडी मार भी लिया। और इसका मतलब ये इसका वो नहीं चल रहा है, इसका आगे नहीं बढ़ रहा था, ये जोन से डैमेज खा रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा।
थोड़ा बहुत जोन से भी डैमेज खाया और ये बंदा गया भाई साहब, हेड पड़ा था उसको, हेड शॉट खा के मारा उस बंदे ने। अब ये हमारा राउंड ख़त्म, अब हम आ गए चौथे राउंड में। तो 0-3 गाइस, आप देख ही सकते हो कि गन स्किन इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल इम्पोर्टेंट है। और स्किल क्या है, स्किल तो बहुत जल्दी आ जाएगी, बस आप लोग को वीडियो देखनी है बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों की, ठीक है, वीडियो देखो वहाँ से सीख लो। और ये भी वहीं से सीखा है, और देखो ये कैसे खेल रहा है, एकदम नूबड़े जैसा। अब इसने यहाँ पर रश कर दिया है, अपन देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पर डैमेज 19 का पड़ते हुए, 19 या पता नहीं जितने का भी पड़े, हारना तो है ही इसको, क्योंकि मैं एक ही एक चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। और ये फिर से गया भाई भाई भाई, बच गया, लेकिन ये जाएगा इसको, मतलब 360 डिग्री में होके मैडी मारना चाहिए, लेकिन ये खुले में घूम रहा है। अरे ये मारा 360, तो चलो ये भी मारने लगा मैडी, दोनों अपने अपने टाइम पर मैडी मार रहे हैं। अपन देखते हैं कौन किसको मारता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। और ये मुझे लगी रहता है, ये फिर हेड खाया, हेड शॉट से इस बंदे ने फिर मार दिया है। हो गया ये हमारा, अब आया हमारा आ गया है फिफ्थ राउंड, और फिफ्थ राउंड में अपन देखते कौन जीतेगा। और यहाँ पर मारते हुए और एक भी गोली नहीं छुप रही है, और ये बंदा एकदम लाइट भी खेल रहा है, इसको भी मतलब ये सोच रहा है इसको भी एक मौका दिया जाए जीतने के लिए। और देखो ये मोड दिखा रहा है, और यहाँ पर वन शॉट करते हुए A few moments later. चलो अब हमारा आ गया है, बहुत करोड़ साल बाद इन लोग का इतना, मतलब मैच चल रहा था मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया देख देख के, तो मैं सीधे मतलब आखिरी मैच पे ले आऊँगा इस आप लोगों को। तो अपन देखते हैं इस आखिरी मैच में क्या होता है, ठीक है, अपन देखेंगे इस आखिरी मैच में कौन जीतता है। और यहाँ पर दोनों अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिखाते हुए, और देखते हैं कौन जीतेगा। और गाइस जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल में नए हो तो 3 बार सब्सक्राइब करो 3 बार सब्सक्राइब करना। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। और गाइस लाइव हम करेंगे, लाइव हमारी होगी गाइस हमारी 1K के बाद, जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं हम लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। और वीडियो गाइस हमेशा आप लोग आखिरी तक देखा करो। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, और वो बंदा पता नहीं कितना दूर अभी घूम रहा था, अभी मैंने चेक किया था, देखा था तो बहुत दूर, लेकिन मतलब वीडियो में नहीं देखे दिखाया। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी तरफ से सही खेल रहे हैं, और यहाँ पर भाई साहब जीत रहे हैं। यहाँ पर जीत रही है हमारी स्किल, ना कि कलेक्शन। बस आपको भी अपनी स्किल में ध्यान देना है, ना कि कलेक्शन में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।